हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। 13 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे होता है। मैं आपको नींद से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान बताने जा रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तब भी हम फ्रेश फील नहीं करते। कोई हमारा चेहरा देखकर ऐसा कहता है कि क्या रात को ठीक से सोए नहीं थे। हमें बार बार टी कॉफ़ी की नीड लगती है अपने आप को जगाए हुए रखने के लिए। किसी काम में मन नहीं लग पाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। अगर आप भी इनमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, हमारे अंदर एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो पीनल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये हमारी नेचुरल स्लीप वेक साइकिल को सेट करता है। अब ये मेलाटोनिन जो रिलीज़ होता है वो होता है जब सन छुपना शुरू हो जाता है, तब हमारा पीनल ग्लैंड एक्टिव होता है और ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। दिन में हमारा पीनल ग्लैंड इनएक्टिव रहता है तो मेलाटोनिन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज़ होता है। इसीलिए कहा गया है कि दिन में आपको जो छोटी छोटी नैप्स हैं वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन में सोते हैं तो आपको रात को सोने में डिफ़िकल्टी आती है। अब रात को सोने में डिफ़िकल्टी एक तो इस हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से, अगर ये सही मात्रा में नहीं प्रोड्यूस हो रहा हो तो भी हो सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं इस वजह से भी आप बिस्तर पर लेटे हैं और आपको कई बार आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, बट आप सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड कहीं ना किसी थॉट में उलझा हुआ है। या फिर इसके और भी रीजंस हो सकते हैं कि आपका एनवायरनमेंट उतना कंफर्टेबल ना हो, जिस बेड पर आप लेटे हैं वहाँ कंफर्ट ना हो, या टेम्परेचर सही ना हो, या आपके कमरे में बहुत ज़्यादा लाइट हो, या आपको कोई फिज़िकल डिस्कम्फर्ट हो। नींद ना आने का जो भी रीज़न है, ये जो टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ वो आपको हर तरह से हेल्प करने वाली है। सबसे पहला कि याद रखिए आप कि जब भी आप सोने जाएं तो अपना एनवायरनमेंट एक बार चेक कर लीजिए। खासतौर से आपके बेडरूम में ब्लू लाइट्स ना हो, या जो आप गैजेट्स यूज़ करते हैं, आपका फ़ोन, लैपटॉप, टैब, ये यूज़ करते हैं, इसमें भी जो लाइट होती है वो मेलाटोनिन के प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस होता है उसको हैम्पर करती है। तो आप अपने रूम में डिम लाइट रखें या डार्क, उसमें आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और कम्फर्टेबल एनवायरनमेंट। दूसरा, जब भी आप सोने जाएं उससे पहले अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, या आपको कोई भी दिन में की थॉट कोई परेशान कर रही है अगर आप उसको एक डायरी में लिख लेते हैं, तो इससे आपका कॉन्शियस माइंड ना काफ़ी कंफर्टेबल फील करेगा। उसे लगेगा कि आपने इसको कहीं नोट डाउन कर लिया है और माइंड से वो चीज़ बाहर निकल गई है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर भी आपको एक्सेस में थॉट्स आ रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने रात के डिनर में 2 चम्मच वार्म देसी घी आप ले सकते हैं। इससे भी आपका जो थॉट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तीसरा, आपको अपना एक शेड्यूल फिक्स करना है। कई बार ऐसा होता है कि वीकेंड्स में ना हम सोचते हैं अब तो हमारी अगले दिन छुट्टी है, अरे आज तो देर से सोएंगे या सुबह आराम से उठेंगे, ऐसा नहीं करना होता है। आपको अपनी उस नेचुरल क्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको इवन वीकेंड्स पर भी एक फिक्स टाइम पर ही सोना होता है और फिक्स टाइम पर ही उठना होता है। इसके अलावा आप कुछ फूड की हेल्प से, जैसे कि कुकम्बर हो गया, आपका बारले हो गया, आपके फ्लैक्स सीड हो गए, आपका पॉमग्रेनेट हो गया, आपके वॉलनट्स हो गए, इस सबसे मेलाटोनिन जो है ना बहुत अधिक अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होता है नेचुरल वे में। इसी के साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस जैसे सवासन है, सवासन में लेट जाते हैं आप तो वो भी एक बहुत ही कामिंग पोज है, इससे हमारा मेलाटोनिन जो है ना नेचुरल मात्रा में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। आप अगर अपने रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं ये आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आप रात को नींद नहीं आ रही है, आप अगर वार्म वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डालकर अगर बाथ ले लेते हैं तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो लोग हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, रात को बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, उनको भी बहुत अच्छी नींद आती है। इसी तरीके से जो लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनको बहुत बहुत ही अच्छी नींद आती है, क्योंकि इससे आपका माइंड हमेशा काम रहता है। इसी तरह से आपको रात को सोने से 4 घंटे पहले कोई भी टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, इन सब का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब भी आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं और आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देती हैं। इन सिंपल सी बातों का ख्याल रखकर आप अच्छी नींद सो सकते हैं, क्योंकि अच्छी नींद आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप अच्छा सोते हैं अगले दिन मॉर्निंग में आप उतना ही अच्छा फ्रेश फील करते हैं और उतनी ही आपकी डे की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो अपनी नींद का ख्याल रखिए, और ये वीडियो अगर किसी भी ऐसे पर्सन के काम आ सकती है जो नींद की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।